नमस्कार, नॉनस्टॉप न्यूज मां हूं छु आरती। सुप्रीम कोर्ट ने वधु बे जज मळ्या छे। 19 मेना रोज आंध्रप्रदेश मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील कलापति वेटनराम विश्वनाथ ने शपथ लीधा था। जस्टिस मिश्रा मूल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है, तो त्यांथी सुप्रीम कोर्ट में आवनार प्रथम जज है। तो न्यायाधीशों वरिष्ठता सूचि अनुसार केवी विश्वनाथ 2030 में सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनशे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने केन्द्र सरकार ने प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथ ने सुप्रीम कोर्ट जज तरीके नियुक्त करने की भलामण की थी। केवी विश्वनाथ ने 12मांथी सीधा प्रमोशन आपीने सुप्रीम कोर्ट जज बनावामां आव्या छे। तेमनी भलामण करती वक्ते कॉलेजियमे लख्यू हतुं के केवी विश्वनाथ बार एसोसिएशन आदरणीय सभ्य छे अने सुप्रीम कोर्ट जज बनावा माटे योग्य व्यक्ति छे। अदाणी हिडनबर्ग केस की तपास माटे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रचवामां आवेली निष्णात समिति रिपोर्ट शुक्रवार जाहिर करायो छे। 24 जानुआरी 2023 रोज अमेरिकन शोर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्गे अदाणी ग्रुप की कंपनीओ अंगे एक अहवाल बहार पाड़ी कंपनी शेरों की किंमत ने ओवरवेल्यू तथा एकाउंट में गड़बड़ कराई होवानो आरोप मूक्यो हतो। जो कि हिडनबर्ग आरोपों अदाणी जूथे फगावी दीधा था, परंतु विपक्षे आ मुद्दे होबाड़ो मचाव्यो। ज्यारे मामलो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच्यो त्यारे सुप्रीम कोर्ट तपास माटे विशेष समिति की रचना करी हती। हवे आ समिति रिपोर्ट सामे आव्यो छे, जेमां अदाणी जूथे तमाम लाभार्थी मालिकों खुलासो कर्यो छे। तो आ साथे एवुं पण कहेवामां आव्युं छे कि सेबी द्वारा कोई आक्षेप करवामां आव्यो नथी कि तेओ अदाणीना लाभार्थी मालिकोना घोषणा नकारी रह्या छे। हिडनबर्गना रिपोर्ट बाद अदाणीनो रिटेल हिस्सो वध्यो छे। सुप्रीम कोर्टे दक्षिण आफ्रिका आने नामीबियाथी मध्यप्रदेशना कूनो नेशनल पार्क में लावामां आवेला त्रण चित्ताओना मृत्यु पर गंभीर चिंता व्यक्त करी छे। केन्द्र ने राजकारण बाजुए मुकी राजस्थानना स्थानांतरित करवा विचारवा कह्युं हतुं। बे जस्टिस बेन्चे केन्द्र ने जणाव्युं हतुं के निष्णातोना अहेवालो अने लखाणो परथी एवुं जणावाय छे के केएनपी पासे मोटी संख्यामां चित्ताओ माटे पूरती जग्या नथी अने केन्द्र सरकार तेमने अन्य अभयारण्यमां स्थानांतरित करवानुं विचारी शके छे। बेन्चे कह्युं छे के 2 महीनामां 3 चित्ताना मृत्युए गंभीर चिंतानो विषय छे। एवुं लागी रह्युं छे के कूनो पासे आ चिंताओने राखवा माटे पूरती जग्या नथी। तेमणे आगळ आ चिंताओने राजस्थानमां योग्य स्थान शोधी राखवा माटे पण टकोर करी हती। राजस्थानमां विरोध पक्षनुं शासन छे तेनो अर्थ ए नथी के तमे तेने ध्यानमां लेशो नहीं। कर्नाटकना बेंगलुरु में आवतीकाले शपथग्रहण समारोह योजवानो छे, त्यारे कर्नाटकना पदनामित नायब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांतिरवा स्टेडियम पहोंच्या हता, ज्यां तेमणे शपथग्रहण कार्यक्रमनी तैयारीओनुं निरीक्षण कर्युं हतुं। स्टेडियम पहोंचीने डीके शिवकुमारे अधिकारीओ साथे वातचीत करीने तैयारीओ अंगे समीक्षा करी हती। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत बाद सीएम और डेप्यूटी सीएम की पसंदगी बाद हवे कैबिनेट में कोने कोने समावा तेना पर मंथन शुरू थयुं छे अने आ बाबते चर्चा करवा माटे पदनामित सीएम सिद्धार्थ मैया और पदनामित डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार शुक्रवार दिल्ली की मुलाकाते पहुंचा था। सिद्धार्थ मैया और डीके शिवकुमारे पोताना जूथना लोकोने प्रधानमंडल में स्थान मळे ते माटे प्रयत्न करशे। प्रधानमंडल निर्माण में जाति विस्तार और वरिष्ठताना आधारे पण विचार विमर्श करवामां आव्यो हतो। सिद्धार्थ मैया और डीके शिवकुमार साथे केटलाक प्रधानो आवतीकाले बपोरे 12 वागे बेंगलुरु में हाजर रहेशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आज 3 देशों 6 दिवस प्रवासे जई रहा छे। 6 दिवस प्रवास दरमियान पीएम मोदी 3 समिट में शामिल थशे। 40 कार्यक्रमों में भाग लेशे अने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व 24 देशों नेताओं साथे मुलाकात करवाना छे। पीएम मोदी जापान पापुआ न्यूगिनी अने ऑस्ट्रेलियाना प्रवासे छे। तेओ आ 3 देशों में कुल 4 दिवस बितावशे। केन्द्रीय प्रधान किरण रिजिजुए अर्थ और सांस विभाग ने पदभार संभाळ्यो छे। अगाउ तेओने कायदा प्रधान बनावामां आव्या हता। गईकाले तेमनी पासेथी कायदा प्रधानुं पद छीनवी लईने तेनो अर्थ सांस विभाग सोंपवामां आव्यो हतो। तेओ पदभार संभाळ्या बाद कह्युं के पीएम मोदीनी भारतने विकसित राष्ट्र बनावानुं जे स्वप्न छे ते जोता मने देखाय छे के आ मंत्रालयनुं मोटुं योगदान छे। हुं पीएम मोदीनो आभारी छुं के मने अलग अलग मंत्रालयमां काम करवानो मौको आप्यो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि अलग अलग विभागों में काम करने का जो मौका मिल दिया है और अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया है, बहुत अच्छा है। और हम लोग अच्छा से आपका सहयोग से और हमारे मिनिस्ट्री का ऑफिसर्स टीम है, स्टाफ है, सबके सहयोग से बहुत अच्छा से इस मंत्रालय को लोगों तक करीबी कैसे बनाएं और लोगों के आम जिंदगी से कैसे और जुड़े और देश के लिए कैसे हम योगदान कर सके, इस दिशा में हम काम करेंगे।
गुरुवारे जमीन कौभाड मामले राबड़ी देवी की पूछपरछ ईडी द्वारा करवामां आवी हती। जेने लईने तेजस्वी यादवे जणाव्युं छे के आमां नवाईनी वात कोई नथी, कारण के कर्नाटक में चूंटणी पूरी थई गई छे अने कर्नाटक में कोंग्रेस पार्टीए सरकार बनावी छे, त्यारे हवे वर्ष 2024 ने लईने भाजपे बिहारथी डर लागे छे, जेना कारणे आ कार्यवाही करवामां आवी रही छे। जे चार्जशीट दाखल करवामां आवी छे तेमां मारुं नाम नथी, पण शुं खबर आवतीकाले मारुं नाम चार्जशीटमां नाम दाखल करी मने पण पूछपरछ माटे ईडी ऑफिसमां बोलावामां आवे। कर्नाटका का चुनाव खत्म हो चुका है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहे, और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજધાની દિલ્હીમાં ભારતીય કુસ્તીબાજો યૌન શોષણ મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। શુક્રવારે રાજસ્થાન કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાટલોક કુસ્તીબાજોને મળ્યા હતા અને તેમની સામે વાતચીત પણ કરી હતી। સચિન પાટલોટે જણાવ્યું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અમારા ખેલાડીઓ જે ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે તેમની યોગ્ય તપાસ થાય, મને આશા છે કે તેમની અને અમારી માંગણીઓ જલ્દી સ્વીકારવામાં આવશે। जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं, जिनको अखबार टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है, वो लोग अगर आज आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। દેશમાં ધ કેરલા સ્ટોરી રિલીઝ થયા બાદ કેટલીક જગ્યાએ વિરોધ તો કેટલીક જગ્યાએ આ મૂવી પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો હતો। વાત કરીએ તો પશ્ચિમ બંગાળની તો અહીં મમતા બેનર્જી સરકારે ધ કેરલા સ્ટોરી પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો, પરંતુ ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટ આ મુદ્દે સુનાવણી કરતા પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવ્યો છે। ત્યારે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું કે મમતા બેનર્જી હવે સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય સ્વીકારવાની ફરજ પડી છે, કારણ કે આપણા દેશના બંધારણ સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય આખરી માનવામાં આવે છે। આ નિર્ણયને માત્ર સંસદ જ ફગાવી શકે, બીજું કોઈ કરી શકે તેમ નથી। ઓ માનને કે લિયે મજબૂર હે હમારી દેશ મે સંવિધાન મે સુપ્રીમ કોર્ટ ફાઇનલ ઓથોરિટી હે। સુપ્રીમ કોર્ટ કા કોઈ આપકા ભાડિક્ટ પાર્લામેન્ટ ખારિજ કર સકતા હે, ઉસકા અલાવા કિસી કો કોઈ પાવર હી નહીં હે ઇસકો હાથ લગાને કે લિયે। યે તો મજબૂર હે, કરના હી પડેગા। દિલ્હીના પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા જેલમાંથી દેશને પત્ર લખ્યો છે, જેમાં તેમણે કવિતા દ્વારા શિક્ષણનું મહત્વ દર્શાવ્યું છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે પણ આ પત્રને ટ્વીટ કર્યો છે। આ પત્રમાં મનીષ સિસોદિયાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ટોણો મારતી એક કવિતા લખી છે કે જો દરેક ગરીબનું બાળક વાંચશે તો 104th પાસ રાજાનો મહેલ હલી જશે। આ પહેલા પણ મનીષ સિસોદિયા જેલમાંથી પત્ર લખી ચૂક્યા છે। આ પત્રોમાં પણ તેમણે દેશની પ્રગતિ માટે શિક્ષણ પર ભાર મૂકવાની વાત કરી હતી। તેમણે જણાવ્યું, દરેક ગરીબને પુસ્તક મળે તો કોણ નફરતનું વાવાઝોડું ફેલાવી શકે, સૌના હાથમાં કામ મળતું હોય તો રસ્તાઓ પર તલવારો કોણ લહેરાવશે, જો સમાજનું દરેક બાળક શિક્ષિત હશે તો તે તમારી હોશિયારી અને તોફાન સવાલ ઉઠાવશે, જો ગરીબને કલમની શક્તિ મળે તો તે તેની મન કી બાત કહેશે। જી20 બેઠક પહેલા જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા સઘન કરવામાં આવી છે। જી20ની બેઠક 22-25 મે દરમિયાન શ્રીનગરમાં યોજવાની છે। પાકિસ્તાનના ષડયંત્રની સતત ખુલાસો થઈ રહ્યો છે, જેને લઈને માર્કોસ કમાન્ડો પણ સુરક્ષામાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, તેમજ સમગ્ર જમ્મુમાં સુરક્ષાની તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। જી20 બેઠક પહેલા આતંકવાદીઓના દરેક નાપાક કાવતરાઓને નિષ્ફળ બનાવવા માટે વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આકાશમાંથી આતંકવાદીઓના દરેક કાવતરા પર નજર રાખવા માટે ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। પાકિસ્તાનનું ષડયંત્ર છે કે જી20 બેઠક પહેલા પાકિસ્તાન જમ્મુ કાશ્મીરમાં કોઈ મોટી ઘટનાને અંજામ આપીને વિશ્વમંચ પર અશાંતિ અને અસ્થિરતા બતાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, જેને લઈને ભારતીય સેના દ્વારા તમામ તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी नो यूएस प्रवास ना कार्यक्रम में फेरफार करवामां आव्यो छे। राहुल गांधी 28 मे थी 10 दिवस सुधी यूएस ना प्रवासे जशे। आ पहला तेओ 31 मे थी यूएस प्रवासे जवाना हता, परंतु हवे तेमना प्रवास ना कार्यक्रम में फेरफार करवामां आव्यो छे। राहुल गांधी 29-30 मे ना रोज स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी ना एक कार्यक्रम में भाग लेशे, जे बाद राहुल गांधी 30 मे ना रोज कैलिफोर्निया ना सांटा क्लेरा में लव शॉप बनावशे। अहीं राहुल गांधी ना कार्यक्रम नुं नाम मोहब्बत की दुकान राखवामां आव्युं छे। तेनुं पोस्टर पण रिलीज करवामां आव्युं छे, जे पोस्टर सोशियल मीडिया में वायरल थई रह्युं छे। राहुल गांधी की मुलाकात वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अमेरिका प्रवास पहला थई रही छे। पीएम मोदी 22 जूने अमेरिका प्रवासे जई रह्या छे। आ दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फर्स्ट लेडी जील बिडेने पीएम मोदी स्वागत माटे व्हाइट हाउस में डिनर नू आयोजन कर्यु छे। पूर्व एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ना पुत्र आर्यन खान ना केस में लांच मांगवानो आरोप लाग्यो छे। आ मामले हवे किंग खान साथे वानखेड़े नी चेट सामे आवी छे। समीर वानखेड़े हाईकोर्ट में दाखल करेली अरजी साथे आ चेट जोड़ी छे। चेट वातचीत में ते कहेवानो प्रयास करवामां आव्यो छे के आर्यन साथे कोई खोटू थयुं नथी। समीर वानखेड़े पोतानी अरजी में जणाव्यु छे के तेणे सीनियर ना आदेश मुजब केस पर काम कर्युं हतुं। समीर वानखेड़े ना जणाव्या अनुसार शाहरुख खाने तेने चेट में मैसेज कर्यो हतो, जेमां तेमणे जणाव्यु हतुं के तमे मारा विषे मने आपेला तमाम विचारो अने अंगत माहिती माटे हुं तमारो पूरतो आभार मानी शकतो नथी। हुं सुनिश्चित करी शकीश के एवी व्यक्ति सारी बनी शके जेना पर तमने गर्व थई शके। आ घटना तेना जीवन में एक वळाक साबित थशे। शुक्रवारे कर्नाटकना उप मुख्यमंत्री तरीके डीके शिवकुमार अने तेमनो भाई तेमज कांग्रेसना अन्य नेताओ दिल्ली पहोंच्या हता। अहीं तेमणे मीडिया साथे वात करता कह्युं के अमे अहीं अमारा नेताओने मळवा अने तेमना शपथ ग्रहण समारोहमां आमंत्रण माटे आव्या छे, जेमां मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी ने शपथ ग्रहण समारोहमां हाजरी आपवा माटे व्यक्तिगत रीते आमंत्रित आपवा माटे आव्या छे। Yes, we have come here. We want to meet our leaders, invite our leaders for tomorrow. I want to invite Rahul ji, Sonia ji, Kharge ji for this ceremony, and all our senior leaders, Priyanka ji. They have come, they have given their sweat, they have given a proper directions. So I wanted to invite them personally. Then later we are discussing on the cabinet formation. That's all. So we will finish and we will go. बिहार में जाति आधारित वस्ती गणतरी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट नीतीश सरकार ने मोटो झटको आप्यो छे। त्यारे शुक्रवार बिहार सीएम नीतीश कुमारे वस्ती गणतरी मामले निवेदन आपता कह्यू के सुप्रीम कोर्टे जे पण निर्णय लीधो छे ते तेमनो निर्णय हशे। अमे पण अमारा पक्ष वत्ती फरी एकवार सुप्रीम कोर्ट में आ वात मुकीशू, जे बाद योग्य निर्णय लेवामां आवशे। कौन था आप बोलिए, उसमें वही न थे, क्या हुआ? सब पार्टी ने किया, आप बीस में भी क्या हुआ बोलिए ना। एक एक चीज तो पहले से हुआ, आज वो कह रहे हैं कि कोई काम क्या दिक्कत है। तो ये सब बात है, कोर्ट ने क्या कहा है, क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बड़े वकील सब लोग देख लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। महाराष्ट्र में लांबा विराम बाद कैबिनेट विस्तरण की ब्लू प्रिंट तैयार करवामां आवी छे। आगामी सप्ताहे एकनाथ शिंदे सरकारे कैबिनेट नू विस्तरण करीने तेनो अमल करशे, जेमां शिंदे जूथना 8 नेताओ मंत्री बनी शके तेवी चर्चाओ चाली रही छे, जेमां भाजपना कोटामांथी चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगटीवार, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुरेश खाड़े, अतुल सेव, रविन्द्र चौहान, मंगल लोढ़ा, विजय कुमार गावित नो समावेश थाय छे। ज्यारे शिवसेना सिंधे जूथ माथी उदय सामंत, संदीपना भूमरे, दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल, शंभुराज देसाई, संजय राठौर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर नो समावेश थाय छे। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे जणाव्यु छे के वैश्विक मंच पर भारत ने जे विकास थयो छे तेमज भारत देश जे प्रगति करी रह्यु छे ते कोईनाथी छुपायेलू नथी। पहला भारत अन्य देशों पासे थी मदद लेतु हतु, परंतु हवे भारत बीजा देशों ने मदद करे छे, जेना परथी लागे छे के आजे विश्व मोदी मॉडल तरफ जोई रह्यु छे। देश में इन्वेस्टमेंट आज तक की सबसे बड़ी एफडीआई लाने का काम किया और एक्सपोर्ट भी उन क्षेत्रों में बढ़ाया, जैसे मोबाइल फोन आपके हैं, ये कभी बाहर से बन के आते थे, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर भारत बना है। हमने दो दिन पहले ही हार्डवेयर की
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को घोषणा की है। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अत्यारे वैश्विक मंदीना एधाण वच्चे आईटी कंपनी बाद हवे टेलिकॉम कंपनीओमां पण छटणी शुरू थई छे। ब्रिटिश टेलिकॉम तरीके जाणीता अने हवे बीटी ग्रुप तरीके जाणीती टेलिकॉम कंपनीए तेना 55,000 कर्मचारीओने छटणी करवानो निर्णय कर्यो छे। कंपनीनुं पुनर्गठन करवा अने खर्चा घटाडवा माटे कर्मचारीओनी संख्या घटाडवानो निर्णय लेवामां आव्यो होवानुं कह्युं छे। बीटी ग्रुपमांथी 10 वर्षमां 55,000 लोकोनी छटणी करशे। कंपनीना कुल 1,30,000 कर्मचारीओ छे, जेमां कॉन्ट्रेक्टर पण शामिल छे। 2030 સુધી કંપની પોતાના વર્કફોર્સને ઘટાડીને 55,000 થી 90,000 સુધી લઈ જવા માંગે છે। કંપનીના સીઈઓ ફિલિપ જેન્સે જણાવ્યું છે કે નવું બીટી ગ્રુપનું નાનું હશે પણ તેનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ હશે। તેને ફાઈબર ઓપ્ટિક બ્રોડબેન્ડ અને 5G સેવા શરૂ કર્યા પછી તેને આટલી મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓની જરૂર નથી। ઉલ્લેખનીય છે કે એક દિવસ અગાઉ ટેલિકોમ કંપની વોડાફોન ફર્મ જાહેરાત કરી હતી, જેમાં 11,000 કર્મચારીઓની છટણી કરશે। इलॉन मस्के जहांथी ट्विटर खरीद्यू त्यारथी सोशल मीडियाना आ प्लेटफॉर्म पर सतत नवी सुविधाओ लॉन्च करवामां आवी रही छे। हवे मस्के जाहेरात करी छे कि हवे ट्विटर पर 2 कलाकनो 8GB सुधीनो वीडियो पण अपलोड करी शकाशे। जो कि ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर जरूरी छे। इलॉन मस्के तेना ट्विटर एकाउंट परथी ट्वीट कर्यू कि ट्विटर ब्लू वेरिफाइड सब्सक्राइबर हवे 2 कलाकनो वीडियो अपलोड करी शकशे। एटले कि आ सेवा मेळवा माटे यूजर्से ट्विटर ब्लू सेवानो लाभ लेवो पड़शे अने त्यारबाद ज ते कलाकनो वीडियो शेर करी शकशे। अगाउ एलन मस्के ट्विटरना नवा सीईओ तरीके लिंडा याकारिनीनो जाहेरात करी हती। तेमणे सिवाय कंपनीए डायरेक्टर मैसेज फीचर पण लॉन्च कर्यु हतुं। आना द्वारा हवे यूजर्स ट्विटर्स पण डायरेक्टर मैसेज मोकली शकशे अने तमाम मैसेज एन्क्रिप्टेड हशे, एटले के कोई पण आ संदेशाओ डिकोड करी शकशे नहीं। कांग्रेस पार्टीए कर्नाटकना मुख्यमंत्री पद माटे सिद्धार्थ मैया अने उप मुख्यमंत्री तरीके डीके शिवकुमारना नामनी जाहेरात करी छे। सूत्रों पासेथी मळती माहिती प्रमाणे बन्ने नेताओनो शपथ ग्रहण समारोह 20 मेना रोज बेंगलोरमां योजाई शके छे। जो कि कांग्रेस पार्टीए समान विचार धरावता राजकीय पक्षोने शपथ ग्रहण समारोहमां आमंत्रण पाठव्युं छे। कर्नाटक कांग्रेसे झारखंडना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडुना मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तेलंगाणाना मुख्य केसीआर, पश्चिम बंगाळना मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी, समाजवादी पार्टीना अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बिहारना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फरेंसना प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अने ओडिशाना मुख्यमंत्री नवीन पटनायकने शपथ ग्रहण समारोह माटे आमंत्रण पाठव्युं छे। आ शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेसना नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी अने प्रियंका गांधी वाड्राने पण आमंत्रण पाठवामां आव्युं छे। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 28 મેના રોજ નવા સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન કરશે। લોકસભા સચિવાલયના જણાવ્યા અનુસાર સ્પીકર ઓમ બિરલાએ ગુરૂવારે પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી અને તેમને નવા સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે। નિવેદન અનુસાર નવા સંસદ ભવનનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે। પીએમ મોદી એવા સમયે ઉદઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે જ્યારે તેમના કાર્યકાળના 9 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે। પંજાબના ગુરદાસપુર જિલ્લાની એક મહિલા ખેડૂતને પોલીસકર્મી દ્વારા થપ્પડ મારવાનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે। બુધવારે ખેડૂતોએ દિલ્હી કટરા નેશનલ હાઈવે પર જમીન સંપાદનનો વિરોધ કર્યો હતો, જે બાદ પોલીસે ગુરદાસપુર જિલ્લાના હરગોબિંદપુર બ્લોકમાં ભામરી ગામમાં દરોડા પાડ્યા હતા। દરોડા દરમિયાન એક પોલીસકર્મીએ મહિલા ખેડૂતને થપ્પડ મારી હતી, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જે બાદ પંજાબ પોલીસની નિંદા થઈ રહી છે અને સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે। દિલ્હી કટરા નેશનલ હાઈવે પર ખેડૂતોની જમીન સંપાદિત કરવામાં આવી રહી છે, જેના માટે ખેડૂતોએ વિરોધનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો। આ દરમિયાન પંજાબ પોલીસનો અમાનવીય ચહેરો પણ સામે આવ્યો છે। દેશના મોટાભાગના ક્ષેત્રોમાં આકરી ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લામાં આવેલા પેન્ટ ગામ તીવ્ર પાણીની અછતનો ગામનો ફર્યો વળી રહ્યો છે। ગામમાં પાણીની અછતના કારણે મહિલાઓએ જીવ જોખમમાં મૂકી કૂવામાંથી પાણી બહાર કાઢવું પડે છે।
अगाउ महाराष्ट्र मंत्री दादाजी भूसे जणाव्युं हतुं के जल जीवन मिशन हेठळ प्रदेश गामडाओं में पाइपलाइन थी पाणी उपलब्ध करावानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। पाणी की तंगी सामनो करनार गामडाओं में नजीकना डेम थी पाणी पहोंचाड़वामां आवी रह्युं छे। पश्चिम बंगाल केटलाक गामडाओं में पाणी की अछत कारण महिलाओं मार्गो पर विरोध प्रदर्शन कर्यो हतो। रशियाए वहेली सवारे युक्रेन घणा शहरों पर मिसाइल हुमला कर्या छे। रशियाए युक्रेन केटलाक शहरों पर कुल 29 क्रूज मिसाइल हुमला कर्या होवानो दावो कर्यो छे। जो कि युक्रेन तरफथी वर्तो दावो करवामां आव्यो छे कि आ 30 पैकी 29 क्रूज मिसाइल युक्रेन एर डिफेन्स सीस्टम द्वारा तोड़ी पाड़वामां आवी छे। ओडिशामां रशियाना मिसाइल हुमलाना कारणे एक व्यक्तिनुं मौत अने बे लोको इजाग्रस्त थया छे। रशिया द्वारा क्रीम पर हवाई हुमलो करवामां आव्यो हतो अने तेना पगले समग्र शहेरमां सायरन एलार्म वगाड़वामां आवी हतु। रशियाए चालू महीने की ऊपर 9मी वक्त हवाई हुमलो कर्यो छे। युक्रेनना कमांडर इन चीफ वेलेरी जालोजिनीए जणाव्यु छे के रशियाना दरिया अने हवाई मार्गथी आ क्रूज मिसाइल हुमला करवामां आव्या हता।